हम दोस्त यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी से अगर बैंक प्रमोशन से संबंधित। यहाँ बात करें सीआईबी का बीएफएम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट नंबर 9। पहला सवाल है डेरिवेटिव इज फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला ऑप्शन है टू बाय और सेल एट ए फ्यूचर डेट। बी ऑप्शन है द प्राइस इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। सी ऑप्शन है इट कैन बी विथ और विदाउट ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। दूसरा क्वेश्चन है द अंडरलाइंग एसेट में भी जो एसेट अंडरलाइन करता है वो क्या है, हो सकता है। पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल एसेट, दूसरा ऑप्शन है रियल एसेट, तीसरा ऑप्शन ए और बी बोथ, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली अंडरलाइंग एसेट दोनों हो सकता है, फाइनेंशियल एसेट और रियल एसेट, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी बोथ। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल एसेट, इसमें कौन सा चीज जो है रियल एसेट नहीं है। पहला ऑप्शन है कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स, तीसरा ऑप्शन है मेटल, चौथा ऑप्शन है ऑयल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बॉन्ड्स। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज लेवरेजिंग। लेवरेजिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस और रिलेटिवली स्मॉल कैपिटल। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा ऑप्शन है इट इज लाइक अ स्टेट। चौथा है इट नॉट ऑफ दिस। लेवरेजिंग जो होता है बेसिकली वो क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस और रिलेटिवली स्मॉल कैपिटल। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडेबल एसेट्स, इसमें कौन सा चीज जो है ट्रेडेबल एसेट्स है। पहला हो जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा हो जाएगा कमर्शियल पेपर, तीसरा हो जाएगा डेरिवेटिव, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल क्या होता है? व्हाट इज शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल क्या होता है? पहला ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ सेल इज रिलेटिवली लेस। बी ऑप्शन है सेलिंग ऑफ एसेट्स विच इज येट टू बी परचेज्ड। सी ऑप्शन है वेट इज स्पेकुलेशन। बी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा बी सेलिंग और एसेट विच इज येट टू बी परचेज। सातवा क्वेश्चन है द फीचर्स ऑफ ए डीमेट अकाउंट। फीचर क्या होता है डीमेट अकाउंट का? तो पहला ऑप्शन है इट इज ए प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक और डिमेटलाइज फॉर्म। बी ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी अफेक्टेड बाई क्रेडिट और डेबिट इन डेबिट द अकाउंट, डेबिट द डीमेट अकाउंट डायरेक्टली। तीसरा क्वेश्चन है इट इज नो देर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, सातवां का डी ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी सारे ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज इन द ट्रेजरी ऑपरेशन। क्या इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज होती है ट्रेजरी ऑपरेशन में? पहला ऑप्शन है यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, दूसरा ऑप्शन है पार्टिसिपेशन इन मनी मार्केट, सी ऑप्शन है मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, डी ऑप्शन है द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या जाएगा? इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज जो ट्रेजरी ऑपरेशन में होता है वो हो जाएगा आपका डी, यानी ए कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। नौवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज नॉट फुली कन्वर्टेबल, कौन सा इसमें करेंसी जो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाता है। पहला ऑप्शन यूएसडी यूरो, पहला ऑप्शन यूएसडी, दूसरा ऑप्शन यूरो, तीसरा ऑप्शन आईएनआर, चौथा ऑप्शन जीबीपी। आईएनआर छोड़कर सारे करेंसीज कन्वर्ट हो जाती है, सिर्फ आईएनआर पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाता है। दसवां क्वेश्चन व्हाट आर ट्रेड, व्हाट आर स्पॉट ट्रेड्स। तो पहला ऑप्शन है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट वेयर द पेमेंट एंड रिसीप्ट्स ऑफ फंड आर सेटल्ड इन रिस्पेक्टिव करेंसीज। बी ऑप्शन है द सेटलमेंट टेक्स प्लेस विद इन टू वर्किंग डेज फ्रॉम द ट्रेड डेट। सी ऑप्शन है स्पॉट करेंसीज मे बी बाउट और सोल्ड विद द सेटलमेंट ऑन द सेम डेट डेट इज टूडे टीयूडी। लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है द सेटलमेंट कैन बी ऑन द नेक्स्ट डे द टुमारो डेट इज टीयू। एक्चुअली स्पॉट ट्रेड जो होता है वो प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट होता है जहां पे कि वो पेमेंट और रिसिप्ट होती है फंड्स की, सेटल होता है रिस्पेक्टिव करेंसीज में, इसलिए यहां पे जो हो जाएगा सही ऑप्शन ए। एक मेगा ऑफर है यहां पे, यहां पे आपको जेबी और सेबी कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है जहां आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसकी मदद से आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज देख सकते हैं, कैसे स्टडी का वीडियो देख सकते हैं, दूसरा सेट क्वेश्चन बैंक रहेगा, फिर टू विजन नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल जेबी सेबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं जिसका दाम है 2000 रूपये, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 600 रूपये। अगर आप जेबी का कॉम्बो पैक खरीदते हैं दोनों पेपर एक साथ खरीदते हैं इसका दाम है 4500 रूपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रूपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं एबीएम प्लस बीएफएम तो इसका दाम है 3500 रूपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1100 रूपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर पर सेंट्रल बैंक ही खरीदते हैं इसका दाम है 4500 रूपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रूपये। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं पेपर का दाम है 199 रूपये, और कॉम्बो पैक मॉक टेस्ट पर 399 रूपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946।
वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो गया www.jivsabistudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया सिरसेना@gmail.com।